तिवारी, आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में बहुत स्वागत करता हूँ। और आज मैं एक्चुअली अभी आज भोपाल में हूँ। मैं अपने बताया था पिछले वीडियो में कि अपने ब्रदर के यहाँ जा रहा हूँ। तो अब हम यहाँ सुबह के अभी एक्चुअली 6 बजा हुआ है। सो हम एक्चुअली एक फ्रेंड और हैं, उनको ले करके फिर निकलेंगे। तो अभी हम फिलहाल तो उनके घर जा रहे हैं, उनके घर जा करके उनको ले करके हम वहाँ से आज दिल्ली के लिए निकलेंगे। दिल्ली जा करके आज स्टे करेंगे हम लोग। तो आज हम दिल्ली जा रुकेंगे। तो चलिए उसके आगे की हम अपडेट आपको करते हैं। वहाँ से जम्मू से सोनमर्ग, फिर आराम रेस्ट होगा ऐसे ही।
पहले लोकेशन देखना है और रिटर्न भी हम लोग इसी रोड से वापस नहीं आ रहे हैं, हम वहाँ से मनाली होने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से जहाँ तक 21st या 23 तक हम बैक टू भोपाल आ जाएंगे। और आप सभी यूथ हॉस्टल के बाकी सब मेम्बरों की, मैं तो लाइफ मेम्बर हूँ और काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पर और मैंने कई ट्रैक्स करे हैं। संजय सर का बहुत हो रहा है सब लोग आ जाओ भाई, ग्रुप फोटो कर लीजिए, हम वहाँ से भोपाल से निकले, उसके बाद का जो वीडियो है जो मैं बना मतलब शूट नहीं कर पाया और मैंने सोचा कि मैं आपको वैसे बताता हूँ, बहुत थोड़ी का इंसिडेंट हुए जिसके कारण मैंने वीडियो शूट नहीं किया तो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हुआ क्या कि एक्चुअली भोपाल से हम निकले और निकलते निकलते एकदम से मुझको याद आया तो मैं अपने डॉक्यूमेंट उज्जैन में घूम के आ गया था बाइक के। तो अब भोपाल से उज्जैन लगभग 2 किलोमीटर के आसपास और हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे तो मैंने भाइयों से कहा कि एक काम करो, तो आप लोग फिर भाइयों पास हो गया, आप लोग निकलो और बना वाला रोड हम एक्चुअली डेंजर रोड से होते हुए जाने वाले थे तो आप लोग निकलो तो ग्वालियर तक पहुँचते पहुँचते हम भी आ जाएंगे, ऐसा मैंने उनसे कहा। और हम लोग ने मतलब प्लान किया, मेरा जो भाई छोटा वाला मेरा वाला छोटे हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे। तो फिर मैंने एक फ्रेंड वगैरह है मैं भाई उनको कॉल किया, उनको कॉल करके कहा कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह दे रहे हैं तो वो घर से मुझे कर लो और साझा करो ले जिनसे 63 किलोमीटर की दूरी थी। भोपाल से एक्चुअली उबर मेरे को 120 किलोमीटर बता रहा था तो मैंने सोचा पास मतलब वहाँ से था तो मेरा मित्र से कहा, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड चिराग करके है वो भी एक्चुअली वहीं पर उसकी जॉब है तो उससे एक्चुअली मुझे हेलमेट नहीं था, मेरा जो मतलब प्रधान था तो उसके बाद हेलमेट नहीं था, एक हेलमेट मुझे वो चाहिए था वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में पीछे वाला ड्राइवर जो होता उसको भी हेलमेट उसकी कंपल्सन थी हेलमेट रोड चाहिए तो उसको भी कॉल किया मैं। और हम लोग साजापुर के लिए निकल गया, साजापुर में एक्चुअली हुआ था साजापुर का रोड मतलब ठीक है बट सिंगल है सो इसमें गाड़ी बहुत ज़्यादा आप तेज़ नहीं चला सकते हो। तो मैंने भाइयों से कहा था भाई 3-4 घंटे में आते हैं तो ऐसा तो नहीं था, एक्चुअली हम निकले 10 बजे तो ढाई बजे हम साजापुर पहुँचे और बीच में एक बार गाड़ी का जो भाई थे उसका टायर पंचर हो गया। और हमने एक्चुअली भोपाल से एक ट्यूब भी खरीदा था और वो जो ट्यूब था और ट्यूब सी ए का ट्यूब खरीदा था एक्चुअली वो ट्यूब भी ख़राब निकला एक्चुअली, वो पंचर था हमारी पहले ही तो हमने जो डरवाने भी उसको दिया तो वो ट्यूब पंचर निकला, फिर दूसरा ट्यूब डलवाया, फिर साझापुर पहुँचे फ्रेंड के पास में वो जो हमारा दूसरा फ्रेंड जो जिनसे आया था वो डॉक्यूमेंट लेके आ गया था, उससे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे मित्र से रुपये दिया हेलमेट और फिर हम वहाँ से निकले। तो 3 बजे हम निकले उन्हें वहाँ से निकले बस निकल के वहाँ से लगभग 185 किलोमीटर था ना तो भाई करने का तुम चले चलो हमारे पीछे तो लेकिन बट हुआ क्या वहाँ से चले और ब्यावरा पहुँचे तो गाड़ी का टायर फिर से पंचर हो गया तो पंचर हुआ हम कुछ खाया नहीं था, हम लोग खा लेते हैं पंचर वाले का खड़ी करके हम कुछ खाने चले और वहाँ से लौटे तो बस बारिश का थोड़ा माहौल बनने लग गया था। बस होकर थोड़ी देर बाद अच्छी खासी बारिश शुरू हुई तो बारिश बनकर छोड़ ग्वालियर तक बारिश में गाड़ी चलाई तो भाइयों एक्चुअली वो ग्वालियर पहुँचे थे तो हमारे आगे हमारे भाइयों ग्वालियर में उन्होंने स्टे कर लिया था एक्चुअली रात हो गई थी उनको 6:30 बजे थी वहाँ 6-7 बजे थी वहाँ ब्यावरा में तो उन्होंने बोला ग्वालियर को दिया था दिल्ली का प्लान तो हमारा कैंसिल हो गया था तो फिर हम रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास हम लोग ग्वालियर पहुँचे। ग्वालियर से सेकेंड डे हम सुबह सुबह निकले तो
सेकेंड डे जब हम वहाँ से सुबह निकले 8 8:30 बजे निकले होंगे, तो वहाँ से निकले, वहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है शायद आगरा, तो आगरा और फिर आगरा बैठ चुके हमको यमुना एक्सप्रेस वे भी देखना था, हमने देखा ही था मतलब, तो मन का सोचा मैं उसको भी जाने ही पास सो बनता भैया सुन के, तो उस पर बस उस पर जाने के लिए उसका बस आएगा ये भी जो उसका वीडियो है कल बनाया था वीडियो, तो उसका वीडियो आप देखिए। फ्रेंड्स ट्रक को देखिए कैसा लग रहा, रिवर्स में चल रहा, चल तो रिवर्स में ही रहा है बट दूसरा ट्रक में बंधा हुआ आगे, आगे एक ट्रक है जिसमें ये बंधा हुआ है, वो उसको खींच के ले जा रहा, देख के बड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी हमको जब हमने इसको देखा था। ये वीडियो एक्चुअली यहीं तक है, इसके बाद का जो वीडियो एक्चुअली मैंने शूट नहीं किया था, तो फिर इसके बाद का जो इंसिडेंट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, थैंक यू।